ये वीडियो मेरी उन मूर्ख या अंडर रेटेड या अंडर एस्टिमेटेड पॉलिटिशियंस के लिए है। स्पेशली ये मैं कहना चाहूँगा अखिलेश यादव के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बनाना चाह रहा था कि अखिलेश यादव जब पहली बार उससे राहुल गांधी से जुड़े, जबकि उसी कोई आवश्यकता नहीं थी, उनके अंदर सिर्फ मोदी का डर था, वो जुड़े, बहुत बुरी हार हुई, फिर दोबारा मोदी का डर फिर आ गया, मायावती के प्लान में फंस गया और हाथी को साइकिल में बिठा लिया। मायावती को तो 10-12 सीटें मिल गई, अखिलेश यादव को 5-6 सीटें मिली, तो वो जो डर था बहुत, जब अखिलेश यादव और राहुल गांधी एक साथ लड़ रहे थे तो बहुत लोग के मन में गुस्सा था कि हमें कांग्रेस को नहीं लाना इसलिए हम अखिलेश को भी वोट नहीं देंगे। यहाँ इस बार इस चुनाव में जिसका रिजल्ट अभी 23 मई को आया है, बहुत लोगों का मुझे पर्सनली बहुत लोगों ने कहा है कि बसपा को नहीं लाना था इसलिए सपा को वोट नहीं किया, बहुत लोगों ने अखिलेश का समर्थन नहीं किया। तो अखिलेश यादव अगर खुद लड़ते, और ऐसा भी लोगों ने कहा है और ये मेरा खुद का भी मानना है कि अखिलेश यादव अगर खुद लड़ते, क्योंकि मुलायम सिंह यादव की मर्जी नहीं थी मायावती के साथ गठबंधन करना, जो सपा वाले होंगे वो जानते होंगे और जो पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट इसका होगा वो जानता होगा, और जब ये राहुल के साथ आए थे तब भी किसी की मंजूरी नहीं थी, बस हवा बनाई जा रही थी कि दो लड़के यूपी के, बस हवा बनाई जा रही थी, कोई इन दोनों की एक साथ मिली भगत को या एक जोड़ी को पसंद नहीं कर रहा था। मेरा सुझाव या फिर इस वीडियो कॉन्क्लूजन सिर्फ इतना सही है कि अखिलेश यादव ने यूपी में काम किया था, उस लेवल का पता नहीं लेकिन उनके काम नज़र आते थे। अगर अखिलेश यादव खुद पे कॉन्फिडेंस करके अपने पार्टी में बहुत सारे बेकार करप्ट और यूजलेस लोगों को निकाल दें और बदलाव लाएं और डेवलपमेंट करें बिना किसी नेता को कोसे, एक्चुअली उन्होंने मोदी जी को बहुत ना के बराबर कुछ कहा था, तो वो तो अपनी सीट से जीत गए और बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं रहा लेकिन जीत गया। जीतने का एक और कारण ये भी था उनका गढ़ होना, दूसरा कारण ये था कि मुसलमान और यादव वोट चला गया उधर, तो ये जात पात धर्म ये सब थोड़ा उस एरिया में मायने रखता है, वो लोग उन्हें चला गया कर दिया, उनकी वोट बैंक की पॉलिटिक्स समाजवादी पार्टी ने भी की है, बहुत अच्छे से की, बहुत एक लेवल तक की है, लेकिन बाद में अखिलेश यादव ने डेवलपमेंट की भी पॉलिटिक्स की, उन्होंने डेवलपमेंट किया था। तो इन कंक्लूजन बस मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज की डेट में समाजवादी पार्टी कांग्रेस से अच्छी है, बसपा से अच्छी है, लेकिन उसने खुद को अंडर एस्टिमेट किया, खुद की लीडरशिप को अंडर एस्टिमेट किया, मुलायम सिंह की बातें नहीं मानी, अखिलेश यादव ने अपने गर्म खून का गलत इस्तेमाल करते हुए, बुद्धि का गलत इस्तेमाल करते हुए, डर में, इसी को कहते हैं खौफ, मोदी के डर में, योगी के डर में, गलत गलत लोगों से, गलत गलत पार्टियों से समझौते किए, जिन्होंने किया वो तो डूबे ही, इनको भी ले डूबे। तो बस मेरा इतना सा सुझाव है, अगली बार अपने कॉन्फिडेंस से अपने आप को लेके चलें, किसी और को ना बटोरें, किसी हाथी को साइकिल पर ना बिठाएं, ना ही किसी हाथ का सहारा लें, और एक प्योर डेवलपमेंट का मोटिव लेके चलेंगे धर्म निष्पेक्ष होके, जात पात को छोड़ के, तो बहुत बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि जीत जाएंगे। लेकिन अगर ये सब लेके चलेंगे कि वोट बैंक भी बनाना है, इधर इधर करप्शन भी करना है, इधर जात पात भी खेलना है, तो नहीं हो पाएगा। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।